नमस्ते किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनेक्स्ट में, जहां पर हम आपको खेती से जुड़ी हुई सारी जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो हमारी पुरानी वीडियो को देखने के लिए और उन्हें लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे कोहरे के कारण गेहूं की फसल को होने वाले नुकसान की। किसान भाइयों, ये आम देखा जाता है कि काफ़ी समय तक कोहरे का पड़ना इन दिनों में लगने वाली फसलों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है, जैसे कि गेहूं। गेहूं की फसल एक ऐसी फसल है जो कि इस मौसम में आम लगाई जाती है, और ये फसल कोहरे के कारण बहुत ही प्रभावित भी पाई जाती है। कोहरे के प्रभाव के कारण सबसे पहले गेहूं की पत्तियों का रंग हल्का पड़ना शुरू हो जाता है, और इसकी पत्तियाँ सिरे से पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं, और पौधे की बढ़ने की क्षमता कम हो जाती है, और कभी कभी पौधे सूखना भी शुरू कर देते हैं। ये सब कोहरे का प्रभाव माना जाता है, जो कि फसल को धूप के मिलने के बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। किसान भाइयों, ये इन दिनों में गेहूं की फसल में देखी जाने वाली एक आम समस्या है, जो कि आपको लगता है किसे पोषक तत्व की कमी या फिर किसे रोग के कारण हो रही है, लेकिन असल में ये कोहरे का प्रभाव होता है जो इन दिनों में पाया जाता है, और इसमें आपको फसल में कोई भी केमिकल स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो फसलें कई दिनों तक नमी में हों वो सबसे ज़्यादा प्रभावित पाई जाती हैं। आज की जानकारी में इतना ही। पशु और फसल संबंधी अधिक जानकारी के लिए हमारी एप्लीकेशन पर पोस्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें।